टीवी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। यूपी के कौशाम्बी जिले में खस्ताहाल सरकारी महकमे के वाहन का ताजा वीडियो सामने आया है, जिसमें तहसीलदार सिराथुर के वाहन को स्टार्ट करने के लिए उनके अर्दली और सुरक्षा गार्डों को धक्का लगाना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार तहसीलदार सिराथुर बीडी गुप्ता पाइनसा थाने इलाके में एक सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई करने गए थे। कार्रवाई खत्म होने के बाद जब वह अपने तहसील जाने को गाड़ी में बैठे तो उनका सरकारी वाहन स्टार्ट नहीं हुआ। इसे देख जनता के सामने तहसीलदार साहब को काफी किरकिरी झेलनी पड़ी। उनके लिए गाड़ी को धक्का लगाना कोई नई बात नहीं है। के लिए कौशाम्बी से नितिन अभार। क्यों मारा जा रहा था? किसकी गाड़ी है? तहसीलदार साहब की है। कहाँ का तहसीलदार साहब? सिराथुर। गाड़ी में धक्का क्यों मारा जा रहा था? अरे बिगड़ी हुई है। तुम्हारा नाम? दिलीप कुमार। ये है एसटीवी न्यूज़ पे पल पल की।